नहीं एक नहीं दो दो तीन तीन आदमी से उसका दस आदमी से दस दस आदमी से अफेयर है उसका जी। उसका विवाह को लेकर के तरह तरह की बात तो होती रहती है, कहीं फेसबुक से प्यार होता है, कहीं यूट्यूब से प्यार होता है, सोशल मीडिया के जरिए आजकल इतना प्यार हो रहा है जो उसको कहने के लायक नहीं। यहाँ पे जो दो जोड़ा हमारे पास देख रहे हैं, ये शादी का मामला है, जो दो शादी करने पर इन भाई साहब के साथ क्या गुजरी हम जानने का प्रयास करेंगे, और इनकी ये दूसरी पत्नी है। आप शादी करने से पहले ये बात सोची थी कि हम जो सिकंड शादी कर रहे हैं तो पहली लेडीज़ का ये घर उजड़ जाएगा? नहीं, ये बात हम तो सोचते हैं किसी का घर नहीं उजड़ना चाहिए। ये बोले दहेज हम दे दिए, वो मेरे साथ नहीं रहते, बहनों ही साथ ऐसे ऐसे बोले। वो पहली पत्नी का ये आपको इनका आरोप है कि वो बहनों ही के साथ रहती है? हाँ, यानी उसका उस लड़की का बहनों ही के साथ चक्कर चल रहा है? हाँ, बहनों ही के साथ चक्कर चलते। इसको लेकर के ये उसको छोड़ दिए, आपसे शादी किए? वो छोड़ दिए इनको जी, इनको वो छोड़ दिए। तो लड़की छोड़ा या खुद छोड़े हैं? लड़की बोलते छोड़े, लड़की बोलती है। हाँ, ये बोले से लड़की छोड़े हमको, से पंचायती टेंचर बैठाए तो नहीं आए, तो मैं 7 साल अकेले थे, बीमारी उमारी होते तो कोई नहीं देखने वाले, तो ये बोले से शादी करनी है मेरे। अच्छा, आप जो शादी इससे किया, क्या खुश है इनके पास आप? हाँ, खुश है। हाँ, किसी तरीके की दिक्कत भी हो रही है? नहीं, सिर्फ दिक्कत उस जो पहले इनकी पत्नी है उसके परिवार से या उस पत्नी से हो रही है? उनको पत्नी पहले कुआते तो गाली गलांज देते, मेरे अकेले देखते तो गाली उली देते रहते मेरे के। 4 दिन पीछे किए पेठिया पर मैं गए सब्जी उब्जी लाने के लिए, तो पीछा करे तो हम कुछ नहीं बोले वहाँ पर से। क्या नाम है आपका? रविता कुमारी। रविता कुमारी, आगे हम इनके बात करते हैं जो इनके पति हैं, और जो इन्हीं को लेकर के विवाद एक से एक उठ रहा है। एक शादी किए, दूसरी शादी फिर किए, जो ये बगल में लड़की देख रहे हैं, और पहली पत्नी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो बहनोई से फंसी हुई है। क्या सही माने वो बहनोई से फंसी हुई है? सर, सबसे पहले तो मैं इस मीडिया के माध्यम से, जैसे मीडिया के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और मैं आज अपनी सच्चाई बयान करने जा रहा हूँ इस मीडिया के सामने। लाइफ में पहली बार आ रहा हूँ, मैं छोटा मोटा पद से भी चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन इस तरह की घटना मैं आज तक कहीं नहीं देखा हूँ, और मैं आज जो भी बताऊँगा इस मीडिया के माध्यम से सच्चाई बताऊँगा, और 1% कहीं से भी झूठ नहीं रहेगा। इस पे मैं मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जे CBI बहाली भी हो, CBI जांच भी हो, तो 100% आपको सही रिपोर्ट मिलेगा। अब आ गई बात मुद्दे की। मैं मुद्दे की बात ये है कि आप दूसरी शादी की है, शादी की है, दूसरी शादी की है, और आपकी दूसरी पत्नी का ये आरोप आप पे लगा कि वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरी जो पहली पत्नी थी वो बहनोई के साथ उसका चक्कर था, बहनोई से एकदम 100% है। एक बहनोई के साथ ही नहीं, बल्कि उनके बहनोई के अलावा वो और गैर लड़का से उसको संबंध है, जो कि गांव में कई बार हल्ला हुआ, कई बार स्पॉट पे पकड़ाया, वो पूरे समाज जानते हैं वो चीज़ को। हमने पहली शादी की 2005 में 19 तारीख को, 2005 में जब 19 तारीख को हमने शादी की तो मैट्रिक के एग्ज़ाम उसकी ख़त्म हो गए। उसके बाद मैट्रिक के बाद मैं उसको BA कराया, इंटर कराया, 2 बार इंटर कराने के बाद में PG कराया, PG कराने के बाद में मैं उसको NS। अच्छा, आप जो भी कराए, सुनिए, मैं मीडिया में आया, मैं मीडिया के माध्यम से पूरे बात रखना चाहता हूँ। मैं उसको जो है NM का मैं नौकरी दिलाया, मैं मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसे जोड़ के, उसके बाद जैसी नौकरी मिलने के बाद वो हमको छोड़ दिया, बोला कि हम उसको नौकरी होने के बाद हमको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हम कहे जो आपसी मैटर रहता है पति पत्नी में, थोड़ा कम ज़्यादा होते रहता है, ये सुलझ जाएगा। सुलझने के बाद मैं इंतज़ार करते रहा, उनको मनाते रहा, जो होते रहता है, यदि हम में गलती है तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, आप मेरे को बताइए। एक नहीं सुने कि उनका अफेयर था मन्ना सहनी, उसका बहनोई है उनके साथ में, वो अफेयर के कारण वो हमारे साथ आने। बैजनाथ सहनी कहाँ का रहने वाला है? बैजनाथ सहनी हमारे ही विधानसभा का रहने वाले हैं, मंत्री जो चक सिकंदर बसी का जो हुआ वो हमारे गांव का नाम क्या है, बसी भिंडी है, बसी भिंडी जी, वो उनको भी ये कहानी मालूम है। बैजनाथ मंत्री जी जो गांव का नाम क्या है, बसी भिंडी है, बसी भिंडी जी, वो उनको भी ये कहानी मालूम है। बैजनाथ मंत्री जी जो है उनको भी ये कहानी मालूम है। मैं हर व्यक्ति को ये कहानी दिया, पंचों द्वारा हमने 3 बार पंच
फैसला रखा पंचायत में, पूरे पंच आकर के फैसला को निदान किए। उसके बाद वो बोले पंचों के सामने ये कमा के नहीं देते। मैं बोला ठीक है, मैं कमा के नहीं देता हूँ तो आज मैं ये समाज यदि बोल देंगे जो मैं गलत हूँ, चाहे आपको कोई भी चीज़ में तकलीफ दिया हूँ, समाज बोले जो आप गलत नहीं है, आप कहीं से भी दिक्कत नहीं है, समाज सब चीज़ देख रही है। समाज उसके बाद भी बोला ये कब कीजिए, हम आपको 6 महीना का टाइम देते हैं समाजी तौर पर, आप 6 महीना बाहर जाइए, 6 महीना बाहर से इनको खर्चा दीजिए, और क्या खर्चा देते हैं उसका आप पूरा डॉक्यूमेंट रखिए, सुनिए पूरा डॉक्यूमेंट रखिए। हमने 6 महीना में उनको 90,000 रुपये कमा के दिया। 6 महीना में 90,000 रुपये कमाने के बाद फिर मैं आया, फिर वही पंचों के पास गया। मैं बोला आप जिस तरह से हमको पंचों ने कहे उस तरह से हम चले खड़ा उतरे हैं, अब पूछ लीजिए क्या करना है उनको। फिर हमने पूरे पंचों को बैठाया, एक दो नहीं कम से कम हजारों के संख्या में वहाँ पे पंच थे। नहीं ठीक है, आपने पंच बैठा ले, पूरे समाज को बैठा ले। पत्नी को नौकरी हो जाने के बाद या ANM में वो बहाल होती है, उसके बाद आप उससे वो बेवफाई कर लिया। इसको लेकर के आप दूसरा स्टेप उठाए, शादी किए नहीं उठाए सर, पहले या उसका इंतजार आप इंतजार हमने 1 साल 2 साल 3 साल नहीं बल्कि 7 साल किया। 7 साल हमने इंतजार करने के बाद हमारा अस्थिर स्थिति गिर गया। मैं खाने के लिए तरस गया, पानी के लिए तरस गया। उसके बाद फिर हमने साहस किया, जब हमारे जिंदगी का हाथ यानी हर तरफ से आप मजबूर बन गए, हर जगह से मजबूर बन गया, मैं हर जगह से गिर गया। उसके बाद फिर समाज में मैं बोला जो मैं या तो आत्महत्या कर लूँ या ना तो नया जिंदगी जीने का मैं रास्ता। समाज बोला आपका हक है, जी सकते हैं, आप उस व्यक्ति को पढ़ा लिखा के एक एक पैसा जोड़ के नौकरी दिला दिए, उसके बाद आपको गाड़ पे लाकर। अच्छा, दूसरी शादी आप जो किए, पहली पत्नी को आपने डाइवोर्स दे दिया जी, अब वो भी आप बताते हैं पत्नी नहीं, हम पूछ क्या रहे हैं, जितना पूछने होना बोले आपने डाइवोर्स पेपर हमने दिया, वो साइन नहीं की, भाग गए, बोली मैं कोर्ट से पड़ जाऊंगा, पंचों के बीच में दिया, पंचों के सामने वो और हमारी पत्नी और उसका जो है अफेयर चल रहा है मन्ना सैनी मुखिया से मिर्जापुर। आपकी पत्नी का? हाँ, पहली पत्नी का। यानी एक नहीं, दो दो तीन तीन आदमी से उसका दस आदमी से अफेयर है उसका जी, उसका यानी कि बोलू तो उसका खानदान ही ऐसा घटिया। क्या नाम है किसका? लड़की का चंदा कुमारी। उसके पिताजी का लक्ष्मी सैनी। वो रहने वाला कहाँ? वो मैसारी चंदौली का रहने वाला है। उसका भाई का नाम श्रवण कुमार सैनी हुआ, समझ गए। उसका माँ का नाम मुनकिया देवी हुआ, मैसारी चंदौली का है जी। उसका यानी कि पूरे घर का बायोडाटा ही खराब है। उसके घर में जो भी है जो आज तक जो है शुद्ध नहीं है, सब जो है एक दूसरे से अफेयर में रहता है। तो ये आपने दूसरी शादी कर लिया, दूसरी शादी किया, ये पत्नी को आपके जो शिखंड पत्नी है इसको मारपीट किया गया। वो भी मारपीट किया गया है 2 साल तक जब हम अपने पत्नी के साथ है घर पे है। ठीक है समझे, आप नहीं बोला, आप ये दूसरी पत्नी से खुश है क्या? बहुत खुश है, बहुत खुश है, किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है हमारी ये पत्नी से, हम बहुत खुश है। और ये पत्नी कुछ भी करती है तो हमसे बगैर पूछे नहीं, एक भी बात होता है तो हमसे सलाह लेती। पहली पत्नी बिना पूछे कोई काम नहीं करती थी वो, बहुत हमको कभी वो पति समझा ही नहीं, नहीं कभी भी नहीं। क्या हमको इस्तेमाल किया वो, क्या समझा हमको इस्तेमाल किया वो, आपको समझा क्या? हमको एक बेहतर समझा, वो इस्तेमाल किया हमको, जिससे कमा कटा के हम पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, जॉब कर लेंगे, इसको साइड करेंगे। और आखिर वो कामयाब हो गया, वो हमको अपने मकसद में कामयाब हो गया, पढ़ाई लिखाई हम करा दिए, जॉब करा दिए, जॉब का पूरे पैसा हमने जब उसको भर दिए, उसके बाद वो हमको जो है वो लात मारी। उसके बाद भी हमने 7 साल इंतजार किया उस चीज के लिए जो आज आ जाएगी। पढ़ाई लिखाई का मुद्दा एक तो बहुत काफी वायरल हुआ, ज्योति मुड़िया वाला, वो आपने सुना होगा? ज्योति मुड़िया का कहानी और मेरा कहानी देखा जाए तो उससे भी सेम है, यानी कि ज्योति मुड़िया का पति जो थे एक वो सरकारी चपरासी थे, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं थे, एक आम आदमी। हमारा 9 साल इसमें टाका लगा हुआ था, टाका लगने के बाद 29 दिन ऑपरेशन को हुआ था, उसके बाद भी हम बोरा उठाने चले गए थे जो हमारी पत्नी की पढ़ाई समस्तीपुर में रुक रहा है, वो बोली 2500 रुपये उस टाइम की बात है जो हमको भरना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारे दोस्त यहाँ पे हैं जो देख रहे हैं, और जो इनका झमेला है ये पति पत्नी को लेकर के दूसरी शादी इन्होंने की, इसको लेकर के इनको प्रताड़ित किया गया, जो इनका कहना है, जो इनको पत्नी को मारा पीटा गया और बहुत सारी बात हुई है, जो अभी ये समस्तीपुर के सदर अस्पताल में एडमिट है। अब देख किया है डाइवोर्स पर सिग्नेचर नहीं हुआ है, अगर वो पहली पत्नी अगर फिर से अगर इनके घर में आती है तो आप क्या साथ रह सकती हैं उनके?
नहीं वो क्या बोलते वो कहीं आएगा उनको दबेज दे दिया तो वो कहीं आएगा मैं नहीं नहीं से? आपके पति के हिसाब से इनका कहना है कि वो सिग्नेचर नहीं किया पेपर पे, वो बोल लीजिए मैं कोर्ट से फड़िया लेंगे। अगर अगर न्यायालय का फैसला आता उस तरीके का, अगर वो पत्नी अगर रहना चाहती है तो क्या आप उसके साथ रह सकती है उसी घर में? हम उनको साथ नहीं रहेंगे, इनको साथ जहाँ जाएगा वहाँ साथ में रहेगा। अगर वो पत्नी भी इनके साथ रही तो, अगर वो पहली पत्नी अगर इनके साथ रही तो क्या करिएगा? क्या साथ रहिएगा या नहीं रहिएगा? रहेगा, साथ रहिएगा। हाँ। पहली पत्नी के साथ रहिएगा, दोनों हाँ। साथ मिलकर के रहिएगा। हाँ। जी जी, फिर बोलने में हिचकिचा क्यों रही हैं सर?